सस्पेंशन। मैं कांग्रेस पार्टी को आई विश देम गुड लक। सत श्री अकाल पंजाबी लोग चैनल देख रहे हो, मैं सतनाम सिंह हाँ। पंजाब कांग्रेस के सबका प्रधान सुनील जाखड़ वालों कांग्रेस को अलविदा कहने के संकेत दिए गए हैं। जी हाँ, दस दिए कि कांग्रेस को अलविदा कहने का संकेत सुनील जाखड़ ने दिता है कि ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि आज उनके सर कलम हो गए जिनमें अभी भी जमीर बाकी है। जी हाँ, ट्वीट भी उन्होंने वालों किया गया सी क्योंकि अनुशासनी कमेटी जी हैगी है कांग्रेस की, उन्होंने वालों 2 साल के लिए सुनील जाखड़ को सस्पेंड करन की सिफारिश की गई है क्योंकि सुनील जाखड़ को कारण दसो नोटिस जारी किया गया सी जिसका सुनील जाखड़ वालों कोई भी जवाब नहीं सी दिता गया। वो ये समझते सी कि कितना कितने ये उन्होंने अणख में वंगारिया गया, जेकर कोई गल सी तां हाईकमान उन्होंने दिल्ली बुला के भी गल कर सकती सी, उन्होंने आमने सामने बह के भी गल की जा सकती सी, पर क्यों उन्होंने कारण दसो नोटिस जारी किया जाता है। समा भी दिता गया सी कि इस समय के दौरान तुसीं जवाब देवो कारण दसो नोटिस का, पर सुनील जाखड़ वालों कोई भी जवाब नहीं दिता जाता। तो हाईकमान को कित ना कि यह दिखाना चाहते सी कि वह झुकणगे नहीं, सो ना झुकद्या होया ही चुप्पी धर रखी सुनील जाखड़ होर ने। तो पत्रकार भी जो सुनील जाखड़ तो इस बारे में जवाब लेना चाहते सी, जो सवाल करते हैं कि अनुशासन कमेटी वालों 2 साल का जो सस्पेंशन दे सिफारिश की गई है 2 साल के सस्पेंशन लिए, तो सुनील जाखड़ ने सिर्फ ये कहा कि मैं कांग्रेस को गुड लक कहना चाहना, हालांकि गुड बाय नहीं किया उन्होंने, गुड लक किया क्योंकि फैसला अजे हाईकमान के हाथ है। अनुशासन कमेटी वालों सिफारिश जरूर की गई है कि सुनील जाखड़ को सस्पेंड किया जाए तो उसके नाल ही उन्होंने को सारे अहदे भी ले ले जान, पर सुनील जाखड़ भी इस दे अगे झुकते नज़र नहीं आए, सगों उन्हें कोई बयान भी नहीं दिता। तो जदों पत्रकारों वालों पूछा गया तो उन्हें गुड लक ही किया, इसनू गुड बाय समझा जा सकता ज नहीं, पर कितना कितने संकेत यही नज़र आ रहे हैं कि सुनील जाखड़ आने वाले समय के कांग्रेस को अलविदा कह सकते हैं। सो की कहना सुनील जाखड़ का, पहला तो ये सुना दें। मैं कांग्रेस पार्टी को आई विश देम गुड लक। सस्पेंशन। मैं कांग्रेस पार्टी को आई विश देम गुड लक। सो तुसीं सुनिया कि किस तरह गुड लक जिहड़ा हैगा गुड लक किया कांग्रेस नूं सुनील जाखड़ ने, पर उस तो इलावा जिहड़े हैगे कांग्रेस के बहुत सारे वड्डे नेता ने किसी ने सुनील जाखड़ के हक के विच आके आवाज़ नहीं चुकी, सुनील जाखड़ के हक के विच कोई खड़े नहीं हुए, पर राजकुमार वेरका ने जरूर यह गल कही है कि सुनील जाखड़ नूं अजिहा उन्होंने नाल नहीं किया जाना चाहिए, हाई जिहड़े हाईकमान हैगे उन्होंने ये जो सिफारिश है इसनों मुड़ तो रद्द कर दिता जाना चाहिए क्योंकि सुनील जाखड़ का कांग्रेस के वड्डा रोल रहा, वड्डे काम कांग्रेस के सुनील जाखड़ ने किए ने। जेकर कारण दसो नोटिस सुनील जाखड़ को जारी किया गया तो जदों कैप्टन अमरिंदर सिंह लाया गया सी तो उस समय बहुत सारे लोगों वालों सवाल जोड़े खड़े किए गए थे, बहुत सारे लोगों वालों गल् की गई सी उस समय दौरान, तो अनुशासनी कार्रवाई सिर्फ सुनील जाखड़ के उत्ते ही क्यों अजिहा राजकुमार वेरका ने जरूर हाईकमान को यह किया कि इस सिफारिश को रद्द किया जाना चाहिए। की किया राजकुमार वेरका ने यह भी तुम सुना दें। हाँ जी वेरका साहब, अनुशासन कमेटी ने जाखड़ साहब को 2 साल के लिए निकालने का सस्पेंड करने का सिफारिश की है, क्या कहना है? मैं समझता हूं कि अब वो समय रह नहीं गया, कांग्रेस पार्टी बहुत कमजोर हो चुकी हुई है, कांग्रेस पार्टी को सबको इकट्ठा रखना चाहिए और हम सबको अपनी गलतियों में सुधार करना होगा। यहां अगर हम में गलतियां तो हम सुधार करें, पार्टी के अंदर कोई गलतियां तो पार्टी के लीडर अपना सुधार करें। जरूरत इस बात की है कि हालांकि सुनील जाखड़ को जब सीएलपी का लीडर चुना जाना था कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने के बाद, उस पे सुनील जाखड़ ने सवाल खड़े किए थे, ये जो नोटिस जारी हुआ था उसी सदर्भ में ये नोटिस था। और मैं फिर भी ये समझता हूं कि भैया ये गलतियां खाली एक ने सवाल खड़े नहीं किए थे, और भी बहुत से सीनियर लोग थे जिन्होंने सवाल खड़े किए थे, खाली सुनील जाखड़ को बलि का बकरा बनाना ये अच्छी बात नहीं है, ये नोटिस वापस होना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत सारे आशंकाएं ये आ रही थी कि दलित इश्यू की जो बात थी, जो उनकी टिप्पणी थी, उसमें सुनील जाखड़ जी ने मीडिया के सामने आकर के माफी मांग ली,
गुरु रविदास मंदिर में जाकर के माफी मांग ली। मुझे लगता है कि सुनील जाखड़ दलितों के हक में लड़ते भी रहे, उनका संघर्ष को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। मैं समझता हूं कि कांग्रेस हाईकमान को ये नोटिस वापस लेना चाहिए और अपने सुनिया कि राजकुमार वेरका भी जिहड़े हैगे ने सुनील जाखड़ के हक में आके खड़े हुए ने, पर हुण देखना यह होएगा कि सुनील जाखड़ कांग्रेस को अलविदा कह देंगे जां कांग्रेस हाईकमान की अनुशासन कमेटी की सिफारिश को मन के सुनील जाखड़ को 2 साल के लिए सस्पेंड करेगी, उन्होंने सारे अहदे वापस लेगी जां फिर उस सिफारिश को रद्द करेगी हाईकमान। हुण फैसला हाईकमान के हाथ है तो सुनील जाखड़ भी झुकते कितने ना कितने नज़र नहीं आ रहे, सुनील जाखड़ भी अपनी अणख पकाते नज़र आ रहे हैं। हुण की फैसला होंगे हाईकमान वालों जां सुनील जाखड़ कांग्रेस को अलविदा कहते हैं जां कांग्रेस के विच रहिंदे ने, यह भी जल्द ही देखने वाली गल होगी।